Your Excellency, Sheikh Hasina Ji, Prime Minister of Bangladesh, Honorable Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, Bangladesh of Pashchim Bengal, Bhai Bonedar, Amar Namaskar, Aaj theke amader dui desher modhe adan pradan aro sahaj hobe amra aro काछा काछी एलाम शुभ अवसर सकल के जाना अभिनंदन क्योंकि यह ईद का महीना है। इसलिए सबसे पहले बांग्लादेश में रहने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरी और समस्त भारत की ओर से ईद उल फित्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह मेरे लिए और सभी भारतवासियों के लिए एक अत्यंत पीड़ा की बात है कि रमजान के पावन महीने में ढाका और किशोरगंज में दर्दनाक आतंकवादी हमले हुए, मंदिरों पर, पुजारियों पर, सामान्य नागरिकों पर आतंकवादियों ने अकल्पनीय अत्याचार किए। इन आतंकवादी हमलों की हम घोर निंदा करते हैं। पूरे भारत की प्रार्थनाएं और संवेदनाएं इन हमलों में हताहत हुए निर्दोष नागरिकों के साथ हैं। एक्सलेंसी, इस परीक्षा की घड़ी में पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। इस कठिन परिस्थिति में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने के सुदृढ़ नेतृत्व में जिस प्रकार से धैर्य के साथ नेतृत्व दिया गया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपका नेतृत्व पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल है। आतंकवाद के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में आप अपने आप को कभी भी अकेला न समझे, भारत का पूर्ण समर्थन आपके साथ है। मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि आतंकवाद से आपकी जो ये लड़ाई है, भारत आपकी हर संभव सहायता के लिए सदा सर्वदा तैयार है। एक्सलेंसी, हम आज एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां न केवल हमारी चुनौतियां एक समान हैं, लेकिन हमारे विकास के पथ के भी जुड़े हुए हैं, समान संभावनाएं भी हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत का विकास हमारे सभी पड़ोसी देशों के विकास के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। भारत और बांग्लादेश दोनों न केवल विकास की राह पर चल रहे हैं, बल्कि इस यात्रा में हम साथ साथ चल रहे हैं। इसी कारण आज पेट्रापोल बेनापोल का दोनों देशों के जन सामान्य के लिए समर्पित करने का यह इवेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यह न केवल बायलेटरल ट्रेड के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि का एक अहम द्वार भी है। इसका महत्व एक बात से स्पष्ट है कि आज दोनों देशों के बीच कुल व्यापार का 50% ट्रेड 50% ट्रेड पेट्रापोल बेनापोल से होकर गुजरता है। 2015-16 में 15,000 करोड़ से अधिक का ट्रेड पेट्रापोल बेनापोल से होकर गुजरा है। हर वर्ष लगभग 15 लाख लोग और 1.5 लाख से ज्यादा ट्रक इस जगह से गुजरते हैं। पूरे दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। पहले पेट्रापोल सिर्फ 15 एकड़ लैंड कस्टम स्टेशन के रूप में था, जिसमें सीमित सुविधाएं उपलब्ध थी। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 142 करोड़ रुपयों की लागत से 100 एकड़ के भूभाग क्षेत्र में यह इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसमें पैसेंजर्स, कार्गो और ट्रांसपोर्ट के लिए भी एकीकृत रूप से सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, कस्टम आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इससे पहले हम अगरतला में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने का काम पूरा कर चुके हैं और आने वाले समय में भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसे 8 इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने का काम भी पूरा कर लेंगे। एक्सलेंसी, मेरा यह मानना है कि आर्थिक विकास तथा कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेट्रापोल बेनापोल का अधिक से अधिक प्रयोग न केवल हमारी अर्थव्यवस्थाओं को घनिष्ठ रूप से जोड़ेगा बल्कि हमारे पीपल टू पीपल टाइप को भी और सुदृढ़ बनाएगा। मेरा यह विश्वास है कि यह हमारे सांझे विकास तथा समृद्धि का प्रमुख मार्ग बनेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति के लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के संबंधों में उनकी अहम भूमिका का भी अभिनंदन करता हूं। और अंत में मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व का, इस इवेंट पर उनकी उपस्थिति का और भारत बांग्लादेश संबंधों के विकास में उनकी प्रमुख भूमिका का अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास और डेवलपमेंट के रिश्ते दोनों देशों की जनता के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे और पेट्रापोल बेनापोल इन संबंधों के विकास में एक अहम ड्राइवर रहेगा। मेरे साथ सुषमा जी भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं दे रही हैं और भारत बांग्लादेश का जो नाता है उस नाते में एक आर्थिक समृद्धि की भी नई ऊंचाई पाने का एक नया ताकतवर प्रवेश द्वार आज हम दोनों देशों को अर्पित करते हुए गर्व अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।